हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरिजीएस। इस वीडियो में हम स्पीडी मार्च के करंट अफेयर देखने वाले हैं और ये वन लाइनर सभी प्रश्न होंगे जो भी स्पीडी में मार्च महीने में दिए गए हैं मार्च महीने के लिए, और ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सम्मान एवं खेल संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 1 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मार्च 2021 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च 2021 को किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है महाराष्ट्र के मंत्री जिन्होंने महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मार्च महीने में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसको यह पुरस्कार दिया गया है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार? तो ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, मार्च 2021 को वीपी राय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये केरल राज्य का नियुक्त किया गया है। किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया है? तो ये पेटीएम है जिसने अभी मार्च महीने में मासिक लेन देन इसका 1 बिलियन के पार हो गया, 1 बिलियन से ज्यादा हो गया है। किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? किस बैंक ने पीएम केयर फंड्स में 11 करोड़ का दान दिया है? तो ये एसबीआई ने दिया है पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए का दान। नेक्स्ट है, यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है, ये विनेस फोगट है जिन्होंने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। 1 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ओडिशा करेगा। पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है, आर हरि कुमार को। पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है? तो किसने भाग लिया है, ये निर्मला सीतारमण ने। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई थी जिसमें हमारे भारत देश से निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। इसके बाद आता है, DRDO ने कहां से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है? तो ये सभी मार्च महीने के हैं, तो मैं ये मार्च नहीं बोल रही हूँ, आप समझिए, डेट आप खुद ही देख रहे होंगे, नहीं तो ये सभी मार्च महीने के करंट अफेयर है और ये मैं बोलूंगी नहीं कि ये मार्च महीने की है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। DRDO ने कहां से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है? तो कहां से किया है, आंध्र प्रदेश से। DRDO ने सिंधु नेत्रा को आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है और यह क्या है, यह एक उपग्रह है, तो आपको ये ध्यान रखना है, उपग्रह है। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है, अंतरिक्ष उपग्रह है ये आर्टिका M इसका नाम है और यह रूस ने लॉन्च किया है। इसके बाद है, अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार राज्य के लिए अरुण कुमार को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में एडवेंटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अनिंदा दत्ता ने लिखी है। बुक का क्या नाम है, एडवेंटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ध्यान रखना है आपको। कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ है? 1 मार्च 2021 को कौन सा जन औषधि दिवस शुरू किया गया है? तो ये तीसरा है जन औषधि दिवस और ये कब होता है, 1 मार्च को। 2 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, खाद्य में मिलावट करने के लिए अब उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है?
ये किया गया है मनप्रीत वोहरा को। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त मतलब राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके बाद है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। क्या किया है इन्होंने, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया है। ब्रिटेन के दो क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया है, तो ये SBI ने कर दिया है। कितना कर दिया है, गृह ऋण होता है गृह ऋण, इसकी ब्याज दरों को अब घटाकर इसने 6.67% कर दिया है। 2 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ शुरू हुआ है, तो ये ऋषिकेश में शुरू किया गया है। ऋषिकेश में अब 2 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। किस देश ने पहली बार UAE के राजदूत का स्वागत किया है, तो ये इजराइल है। यहाँ पहले इजराइल में UAE के राजदूत नहीं थे, अब इजराइल ने UAE का राजदूत का स्वागत किया है, मतलब अब इसराइल में यूएई के भी राजदूत होंगे। इसके बाद आता है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है राम माधव ने। क्या लिखा है इन्होंने, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये बुक का नाम है और ये बुक लिखी है राम माधव ने। पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख। इसके बाद आता है समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने किया है समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की न्यूली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये किया है तमिलनाडु में। कितने वाट की है ये, 1000 मेगावाट की न्यूली थर्मल पावर परियोजना है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है, तो किसे बताया है, श्रीलंका को बताया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है नागालैंड में, मोन मेडिकल कॉलेज, याद रखना है आपको। इसके बाद आता है सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है, सुगम्य भारत ऐप, तो ये लॉन्च किया है थावर चंद गहलोत ने। किस राज्य सरकार द्वारा घरों की पहचान चेल्की नाम योजना शुरू की गई है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा घरों की पहचान चेल्की नाम योजना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है, तो ये चाइना बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश, पेटेंट क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे मान लीजिए किसी ने कोई आविष्कार किया है, कुछ खोजा है कि हम ऐसे ये चीज करेंगे, तो उसका वो पेटेंट करवा लेते हैं। तो पेटेंट 10 पेटेंट करवाने के बाद वो मतलब जितने साल के लिए होता है उतने साल तक वैसी चीज कोई और नहीं बना सकता है। जिसने भी आविष्कार किया है वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पेटेंट का ये मतलब होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ मॉडल बनाया, कोई भी मॉडल गाड़ी वगैरह का, तो वो मॉडल अगर उसने बनाया है तो उसका वो पेटेंट करवा लेता है, तो वो उसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो चाइना ने ऐसे कई बहुत ज्यादा आविष्कार किए होंगे, इसीलिए सबसे बड़ा आवेदक, जब कोई आविष्कार करता है तो वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट में पेटेंट करवाता है, तो इसलिए इसमें चाइना अब नंबर 1 पे आ गया है। सबसे ज्यादा आवेदक चाइना के द्वारा हुई है, क्योंकि वहाँ सबसे न्यू आविष्कार चाइना में ही हुए होंगे। नेक्स्ट है, प्रशांत किशोर को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो ये पंजाब के हैं। किस राज्य सरकार में
एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है, तो ये नागालैंड में शुरू किया गया है। एयर कार्गो सेवा की शुरुआत नागालैंड में शुरू किया गया है। 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। इनके 100 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर। हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में, हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो ये एलोन मस्क हैं जो टॉप पर हैं। भारत के मुकेश अंबानी इसमें 8वें स्थान पर आ गए हैं। ये हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट है 2021 की। नेक्स्ट है, किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? 3 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो इसका विषय क्या था? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानिट। तो ये इसके थीम है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी कॉम को। यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति की अध्यक्ष चुनी गई है। फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो ये 7% की बढ़ोतरी हुई है फरवरी माह में। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है वरुण कपूर तथा मालविका वनसोड ने। क्या जीता है? युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का टूर्नामेंट का खिताब जीता है वरुण कपूर तथा मालविका वनसोड ने। 4 मार्च 2021 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा। कब मनाया जाता है? 4 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और इस साल यह सड़क सुरक्षा की थीम के साथ मनाया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट है, रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है? तो 2023 तक रेल मंत्री ने संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण, जो भी रेल चलती हैं उनका पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा 2023 तक। नेक्स्ट है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है इसमें? इंदौर। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 2020 की ये सूचकांक है और इसमें इंदौर शीर्ष पर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है? बंगलुरु है। ये इसके इंडेक्स है 2020 के और इसमें बंगलुरु शीर्ष पर रहा है। इसके बाद है, कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? कीरोन पोलार्ड। ये श्रीलंका के विरुद्ध खेला गया था। कीरोन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के जड़े हैं और ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन रहा? तो जम्मू कश्मीर रहा है। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। इसके बाद है, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने किया है। गुजरात में अब क्या किया जाएगा? कृषि जनगणना का आयोजन किया जाएगा। कृषि जनगणना, कितनी कृषि होती है, क्या होता है, तो उसकी पूरी डिटेलिंग की जाएगी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो कहाँ किया जाएगा? पहला है दुनिया का इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्या है ये? प्लेटिपस अभयारण्य है, तो ये ध्यान रखना है। प्लेटिपस अभयारण्य का स्थापना कहाँ की जाएगी, स्थापित किया जाएगा ये? ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टर्स घोषित किया है? तो ये 2023 को घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टर्स। नेक्स्ट है, किस ग्रुप के अध्यक्ष एम जी
जॉर्ज का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? मुटुत ग्रुप के थे अध्यक्ष ये एमजी जॉर्ज, और इनका निधन हो चुका है। किस राज्य ने मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया है, मो छटुआ और ई कालिका नामक मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है, लो ओटेंस का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो यह एक डच के इंजीनियर थे, लो ओटेंस। श्रीकांत मोघे का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो श्रीकांत मोघे एक अभिनेता थे। लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो यह एक कन्नड़ कवि थे, लक्ष्मी नारायण भट्ट। 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये मोहन कृष्ण बोहरा को। 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को चुना गया है। पुस्तक का क्या नाम है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य हेतु, ये पुस्तक का नाम है। इसी के लिए इन्हें मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये कनाडा ने दिया है। नेक्स्ट है, लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बिप्लव देव कुमार ने। लोगों को विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ दिलाने हैं तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया गया, जागृत त्रिपुरा ये प्लेटफॉर्म का नाम है। किसने शुरू किया? यह बिप्लव कुमार देव ने। इसके बाद आता है, संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रवि कपूर को, संसद के टीवी के सीईओ के रूप में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सहायक महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिगिया नोरोन्हा, ये संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव बने हैं। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के कौन से स्थान पर रही है? भारतीय टीम आईसीसी द्वारा जारी कई कई टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। तो भारत प्रथम पे है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत की टीम पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नॉरेन हसन को। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है नॉरेन हसन को। किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, पहले ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट, पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किया गया है पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? इन्होंने अशोक गुलाटी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मसूरी में, जीआई महोत्सव का उद्घाटन। 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? तो किस देश के बीच है ये मैत्री सेतु? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया था? तो ये गुड़ महोत्सव 2 दिवस के लिए लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, और ये 8 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। यह ध्यान रखना है, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो ये तेलंगाना के
गजी वो वोवली पुलिस स्टेशन पर खोला गया है। ईसर सिंह देओल का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो ये थे एथलीट। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमान का निधन हो गया? तो ये किस राज्य के अंशुमान सिंह पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे राजस्थान के। किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे किया गया ये वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। किसने? गूगल ने। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य हो गया है ये आंध्रा। नेक्स्ट, अक्षय पत्र ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। जोन लपोटा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जोन लपोटा बार्सिलोना के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके बाद आता है ग्लेन मार्क फॉर्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है रोहित शर्मा को। ग्लेन मार्क फॉर्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं। नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। इसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया है? तो ये सिंगोरगढ़ का किला कहाँ है? सिंगोरगढ़ का किला है मध्य प्रदेश में। बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पहली कोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ है? तो सर्वाधिक दूषित दूषित स्थल जो है वो ओडिशा में है। किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आईफ्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स का पुरस्कार। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये फ्रांस में किया है पहला सैन्य अभ्यास। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत चुने गए हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आर अश्विन एवं टैमी व्यूमोट ने। 10 मार्च 2021 को फरवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है आर अश्विन एवं टैमी व्यूमोट ने। किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया है। इसके बाद है किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानी खेत में डस्ट लिक सेकेंड अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किस भारत और किस देश के बीच किया गया? उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। क्या किया गया? डस्ट लीक सेकेंड का अभ्यास किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया है? तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? 11 मार्च
को मनाया गया। लिविंग विल विथ किडनी डिजीज इस थीम के साथ में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 11 मार्च 2021 को हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। हेरथ उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो इसे शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को। ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। इसके बाद है भारत का मुख्य सांख्यिकी विद किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत को। भारत का मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया है, किरण बेदी को सम्मानित किया है, किससे, बैटन ऑफ ऑनर से। नेक्स्ट है इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विकसित किया है, तो ये नासा के साथ मिलकर विकसित किया है इसरो ने, क्या विकसित किया है, संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार, नाम क्या है इसका, निसार। किस राज्य सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है, तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारिस की किस मुख्य प्रशासक का निधन हो गया है, दादी हृदय मोहिनी का। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फ्यूगेकू उपयोग के लिए तैयार है, तो ये जापान का है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है क्रेग ब्रेथ वेट को, वेस्ट इंडीज टेस्ट के लिए का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बन गई है मिताली राज। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये है अनुराग ठाकुर। किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हैं हसमत उल्लाह साहिदी। 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, 91वीं वर्षगांठ है, 91वीं। कितनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 वितरित किया गया, तो ये कितनी रचनाओं के लिए किया गया, 20 रचनाओं के लिए। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भुवनेश्वर में, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन। एजेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड इंडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं, तो ये हैं पल्लव मोहपात्रा। मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये है अल सल्वाडोर है, ये मध्य अमेरिका का देश है, इसे अब मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है व्हील्स ऑफ लव। किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है, तो अर्जुन सहायक परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है, तो ये बना है हैदराबाद में, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल है। नेक्स्ट है इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है इमरान अमीन सिद्दीकी। नेक्स्ट किस राज्य में
रसिन बांध और चिल्ली मल बांध का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, रसिन बांध और चिल्ली मल बांध का उद्घाटन। लक्ष्मण पई का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो यह एक चित्रकार थे। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो अब 74% बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की प्रतिशत बढ़ा दिए करके कर दिया गया है। कितना? अब 74%। कोई भी बाहरी विदेशी व्यक्ति भारत के बीमा क्षेत्र में 74% का निवेश कर सकता है। कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बन गया है? तो ईवी राजधानी बन गया है भारत का दिल्ली। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के साथ विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया? 15 मार्च 2021 को किस विषय के साथ में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया? तो इसका थीम क्या रही है? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ध्यान रखना है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम रही है, और ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च 2021 को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना की शुरुआत किया है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना की शुरुआत किया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है? तो ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चेमन चेरी कुन्ही रमण नायर का निधन हो गया, यह कौन थे? तो ये थे कथकली के नृतक। नेक्स्ट है, कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? तो ये सफलतापूर्वक टोटल 17 राज्यों ने किया है। पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो ये शुरू होगी हिंद महासागर में शुरू होगी। ये जीनोम मैपिंग क्या होता है? महासागरों में जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे प्राणी जीव जंतु रहते हैं महासागरों में, उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, इसी के लिए वहाँ पे जीनोम मैपिंग किया जाएगा। ये अब जानिएगा उनके जीन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसे ही नाम दिया गया है जीनोम मैपिंग। 16 मार्च 2021 को किस विषय के रूप में मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया 16 मार्च 2021। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पद भार ग्रहण किया है? तो अजय माथुर ने ग्रहण किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में। 16 मार्च 2021 को कहाँ में चिनार दिवस मनाया गया? चिनार दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मेरा राशन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बन गए हैं T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर। किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी प्रदान की है? तो ये केरल हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री
मौदूद अहमद का निधन हो गया है, तो ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो चाइना इसमें शीर्ष स्थान पर है। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो अमेरिका बन गया है। अब सबसे ज्यादा तेल अमेरिका से भारत के अंदर आता है, अब तक यूएई से आता था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, तो इसका नाम क्या है, रामबन। नेक्स्ट, टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं, तो ये हैं इलियट पेज। ये ट्रांसजेंडर है, पहले ट्रांसजेंडर है टाइम के फ्रंट कवर पर। इन्हें टाइम्स मैगजीन का नाम है, मैगजीन है ये, टाइम्स मैगजीन। नेक्स्ट, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं भवानी देवी। प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रधान सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये पी के सिन्हा थे, प्रधानमंत्री के पी के सिन्हा ये प्रधान सलाहकार थे, इन्होंने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो अब भारत में 33% कम हथियार आयात किए जाते हैं। पहले मान लीजिए 100 हथियार आयात किए जाते थे, तो अब 33% कम मतलब 67 हथियार अब आयात किए जाते हैं। इसके बाद है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, तो ये विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है, तो ये बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी। सीबक नॉर्थ वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, सीबक नॉर्थ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। किस देश के राष्ट्रपति जान मुगुफुली का निधन हो गया है, तो ये तंजानिया के थे। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं रिज अहमद। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता हैं। किस देश के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, तो ये किस देश के हैं, वेस्ट इंडीज के। ISS शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है, तो ये हरियाणा राज्य की थी। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये मनोज सिन्हा है। मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलीमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बन गया है, तो ये है विराट चंद्रा। सबसे कम उम्र के युवा हैं ये किलीमंजारो पर चढ़ाई करने वाले। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था, राइट ऑफ रिवर्स, राइट्स ऑफ रिवर। अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये ढाका में हुआ है, अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन। किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये इटली ने किया है।
हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021-2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो ये मुंबई है, जहाँ पे सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? हीरो मोटर्स कंपनी ने लंदन में अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है। पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये अलास्का में हुई। आई रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर अब कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये 24.56% हो गया है भारत का वन क्षेत्र टोटल। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो ये फिनलैंड है, और भारत इसमें 139 नंबर पर है। 39वां स्थान है भारत का, और फिनलैंड पहले स्थान पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। मतलब भारत में खुश लोगों की संख्या बहुत ही कम है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं प्रणय हारे। किस 21 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया गया है 21 मार्च 2021 को। 21 मार्च 2021 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का महासचिव किसे चुना गया है? ये चुना गया है दत्तात्रेय होसाबले को। सागर सरहदी का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो यह एक लेखक थे, सागर सरहदी। वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो ये मणिपुर है। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा किया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया। किसने वॉयस चैट 2 फीचर लॉन्च किया है? तो ये टेलीग्राम ने किया है। अरिंदम बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन में अब इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक। किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने शुरू किया है सही दिशा सम्मान अभियान की शुरुआत। लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये थी ओडिसी, एक नृत्यांगना थी ये लक्ष्मी प्रिया महापात्र। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रन किसने शुरू किया है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 56वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर रहा है। किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2021 को? तो ये बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी बिहार को? 22 मार्च को। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार हो गया है। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। किस देश के ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये मलेशिया की है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है आर के सिंह ने किया है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत।
किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है देखो अपना प्रदेश अभियान। 23 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो इसका विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और इस साल इसकी थीम क्या रही है? तो ये है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कंगना रनौत को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से। 2 दिवसीय नंदनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो ये मंगलौर में हुआ है नंदनी नदी महोत्सव का समापन। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस कंपनी के MD जे वाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये गोयर है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये कंपनी का नाम है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो संगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में ये फटा है अभी हाल ही में। 24 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया? द क्लॉक इज टिकलिंग, ये इसकी थीम रही है विश्व तपेदिक दिवस को। और विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? शेफाली वर्मा। भारत ने किस देश को कीटनाशक मेलाथियान की 20,000 लीटर की आपूर्ति की है? तो ये ईरान को किया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ में किया गया है। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो रूस ने 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये 18 देश के सैटेलाइट हैं, टोटल 38 सैटेलाइट और ये 18 देश के हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो ये सिक्किम राज्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इसे सिक्किम राज्य को दिल्ली के साथ में जोड़ा गया है। हाल ही में किसने ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया है? तो ये पावर ग्रिड के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 23 मार्च 2021 को असम ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है असम राइफल ने। किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव का आयोजन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया केला महोत्सव का आयोजन। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया की पहली सिप टनल परियोजना कहाँ बनी है? तो ये नॉर्वे में बनी है, चर्चा में रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2020 के ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के ब्यास सम्मान के लिए चुना गया है। और यह पाटिल पुत्र के सामग्री इस उपन्यास के लिए चुना गया है इन्हें। ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा है। भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कहाँ कमीशन किया गया है? चेन्नई में।
देवरली क्लीरी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो यह एक लेखक थे। चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? इन्फोइस का निदेशक नियुक्त किया गया है चित्रा नायक को। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है? तो ये वाराणसी में किया है इन्होंने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने अपने किसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है? तो ये है एन बी रमना, ये आगे चल के मुख्य न्यायाधीश होंगे एम बी रमना। 2021 को की गई घोषणा के अनुसार ए एफ सी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा अब ए एफ सी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। छत्रसाल, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खजुराहो में किया गया है। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। भारतीय खाद्य निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आतिश चंद्र बने हैं। WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? द ग्रेट खली को शामिल किया है। UIDAI का नया CEO कौन बना है? सौरभ गर्ग बने हैं। किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र के भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो ये किरण रिजिजू हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन का स्थान दिया है। AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव कुमार। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया? ये गर्ल गैंग ने। 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया अर्थ आवर डे के रूप में। फिच रेंटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का GDP 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया गोवा में। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है किलिमंजारो। 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये पाकिस्तान ने किया है शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण। महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ में किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है? तो ये गुजरात ने किया है। नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है नीलम साहनी को। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये तो ये किया जाएगा लखनऊ में, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह की बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो ये मंगल ग्रह की किया है इन्होंने, यहाँ के
बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर दिखाई है। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई, तो इस ट्रेन का क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। किसे जोड़ा जाएगा इससे? बांग्लादेश के ढाका को किससे जोड़ा जाएगा? पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को। इसके बीच ट्रेन चलाई जाएगी, कौन सी ट्रेन? मिताली एक्सप्रेस। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास PA-6 शुरू किया है? तो ये अमेरिका के साथ में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? हिंद महासागर में, अमेरिका और भारत के बीच में। यह एक नौसेना अभ्यास है, 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास। नाम क्या है इसका? PA-6। नेक्स्ट है, किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो ये आइसलैंड में हुआ है, 900 वर्षों के बाद में विस्फोट। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं अभी हाल ही में? तो तजाकिस्तान की यात्रा पर गए थे ये 30 और 31 मार्च को। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 11% है। 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया इरफान खान को। फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये फिल्म है थप्पड़। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने। US ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो ये म्यांमार के साथ में किया है। स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? तो ये था एवर गिवन। इसके स्वेज नहर में फंसने से यातायात अवरुद्ध हो गया। 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIM जम्मू में। किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है? तो ये ब्राजील के हैं। किन दो देशों के बीच बकलोब में संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का आयोजन किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाम क्या है? ब्रज प्रहार। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी ये मैंने ऊपर बताया, खजुराहो में किया गया। खजुराहो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। IIS शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIS शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत शीर्ष पर रहा है। कहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जम्मू और कश्मीर में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति इगोर माटोविक ने इस्तीफा दे दिया है? ये तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। किसने चेकआउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है? तो ये पेपल ने किया है। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बौले को। यह पुस्तक का क्या नाम है? सनातन पुस्तक के लिए दिया गया है ये। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की छूट दिया है? तो ये 25% है। आपको जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप अपना पुराना वाहन बेचेंगे तो नया वाहन खरीदेंगे तो उस पर आपको 25% की छूट दी जाएगी इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। किस कंपनी ने मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये फेसबुक के हैं। 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्कल दिवस मनाया गया।
किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये रजनीकांत को दिया जाएगा इस साल का 2021 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली रहे हैं। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो यूपी में 2022 तक हर गरीब के पास घर हो जाएगा। यूपी सरकार ने ऐसी घोषणा की है। ब्रिटानिया कंपनी ने अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये उर्जित पटेल हैं। 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तो ये झारखंड में होने वाली थी। किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ने किया है संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी? तो ये डल झील है। आर्द्र भूमि क्या होता है? कुछ ऐसे तालाब, भूमि, झील वगैरह जिन्हें कुछ वहां पे जो भी जनजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको खतरा है किसी भी चीज से, मानव के द्वारा या पर्यावरण क्लाइमेट चेंज के माध्यम से, उसके संरक्षित करने के लिए उसे संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। तो अब ये कश्मीर की डल झील को घोषित किया जाएगा क्योंकि यह कुछ समस्याओं से गुजर रही होगी, इसलिए ताकि इसे बचाया जा सके। 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान है ये। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सेना किस देश में शांति अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत की सेना लेगी भाग शांति अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में। ONGC का अतिरिक्त निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये सुभाष कुमार है। किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? इग्नेस कैलमार को नियुक्त किया गया है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 टीका विकसित किया है? तो ये रूस है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो ये 10.1% है। किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण का समझौता किया है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। हाल ही में जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये आइसलैंड है। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है जेंडर गैप सूचकांक। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? मुखमीत एस भाटिया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो ये है पश्चिम मध्य रेलवे। आईसीसी बैंक ने फास्ट टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फोन पे के साथ में साझेदारी किया है। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अनिया मिथुन ने। किसने लगातार दूसरी बार मियानी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है इसले बॉर्टी ने। लगातार दूसरी बार मियानी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है।
किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया? दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति, इसकी थीम रही है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अम्बोली की को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो ये महाराष्ट्र की है, अम्बोली। किस देश ने 2 सालों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है? तो ये इजराइल ने किया है 2 सालों में चौथी बार। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आदिल जैनुल भाई को। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मल्लिका श्रीनिवास को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस अब मनाया जाएगा 5 अप्रैल को, ये आपको ध्यान रखना है।